गणपति विसर्जन पर भाजपा नेता अनिल उपाध्याय ने मुस्लिम समाज की प्रशंसा की। मुस्लिम समाज का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने गणपति विसर्जन और ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार एक साथ पड़ जाने पर अपने ईद मिलाद के कार्यक्रम को एक दिन आगे बढ़ा लिया है। ये कहना है भाजपा नेता और राधा कृष्ण सेवा मंडल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के अध्यक्ष अनिल उपाध्याय जी का। अनंत चतुर्थी के अवसर पर गणपति के विसर्जन के लिए उनके मंडल ने बहुत शानदार इंतजाम किया था। ताशे और ढोल की कर्णप्रिय आवाज़ के साथ साथ उड़ते गुलाल के बीच गणपति बप्पा मौर्या पुड़चा वर्षी लौकरिया के गगनभेदी नारे के साथ हजारों लोग आगे बढ़ते दिखाई दिए। उस त्यौहार को भी हम बोलते हैं हमारे गणपति बप्पा जी से कि उनका भी त्यौहार अच्छे से शांति से मने, और वो भी शांति से मना रहे हैं। और मुस्लिम समाज का इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज के दिन 12 भाग की तारीख होने के बावजूद भी उन्होंने कल उस त्यौहार को मनाना मुंबई में तय किया है। तो मतलब एक समाज में मैसेज दिया है कि हम सब एक है और सबने मिलकर केवल सद्भाव करना चाहिए, और हिंदुस्तान एक है, भारत एक है, और भारत के लिए सब देशवासी एक है। देखिए, ये गणेश उत्सव मनाने में इतने मन की शांति मिलती है कि हम आज गणपति बप्पा का विसर्जन है, लेकिन स्थापना करने से लेकर आज विसर्जन तक किस प्रकार दिन जाता है हमको पता नहीं चलता, हमारे एक एक बच्चों को पता नहीं चलता है। लोगों की उत्साह आप देख रहे होंगे, लोग गणपति की सेवा करने के लिए दिन रात तत्पर रहते खड़े रहते हैं। और हमारे राधा कृष्ण सेवा मंडल में सभी कार्यकर्ता, करीब 200 से प्रमुख कार्यकर्ता जो है, और हजारों के सदस्य हैं, और वो सदस्य अपनी ताकत से, बुद्धि से, मन से और शांति से इस उत्सव को मनाते हैं। और ये उत्सव मनाते हुए हमारा ये क्षेत्र है शास्त्री नगर, और पिछले विगत 40 वर्षों से हम गणपति बाप्पा का सेवा कर रहे हैं। जिसके पहले हमारे मंडल के अध्यक्ष थे स्वर्गीय रामचंद्र पांडुरंग सुर्वे जी, उन्होंने 15 साल उन्होंने यहाँ पर अध्यक्ष के नाते यहाँ इस मंडल को चलाया, और उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे जो जवाबदारी उन्होंने दी पिछले एक विगत 25 वर्षों से यहाँ पर इस गणपति बाप्पा का सेवा मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, और सभी लोगों को लेकर कर रहा हूँ, सभी मंडल के मेरे सदस्य, महिला बंधु, भाई बहन सभी यहाँ पर भगवान के सेवा में लगे रहते हैं। और राम, पिछले इस मंडल को 40 वर्ष हो गए, और जो हमारा सेवा चल रहा है कम से कम 25 साल से मैं खुद इस मंडल को सेवा दे रहा हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं कि हमें कोई चीज़ का इंतजार करे, भक्त बढ़ चढ़ के आ जाते हैं। सुबह पूरे मुंबई में मेरे हिसाब से एक पहला मंडल होगा जो सुबह 5 बजे से 9 बजे तक कम से कम 2 से 3 किलो प्रसाद यहाँ ख़त्म हो जाता है। सब माताएं सुबह 5 बजे से लाइन लगा के आकर और एकदम ध्यान लगा के बैठते हैं कि उनकी जैसे कि मन की आराधना एक घर पे, एक जैसे अपने हम अपने कुल देवता के साथ बैठते हैं। जो भी माताएं आते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट बैठ के यहाँ ध्यान लगाते हैं। ये मुझे पूरे मुंबई में, मैं घूमता हूँ पूरे मुंबई में, मेरा प्रवास होता है, किसी भी मंडल यहाँ की किसी भी जगह पर कहीं ऐसा होता नहीं है। और ना मैंने आज तक देखा कि इतने लोग भक्तिभाव से लोग अर्चना पूजा करते हैं। साक्षात ऐसे लगते हैं कि एक जैसा प्राण प्रतिष्ठा पुराना मंदिर हो, उस मंदिर का पुराना गणपति जी का मंदिर है, उस मंदिर के तरह लोगों का व्यवहार होता है। विगत 43 वर्षों से लगभग यहाँ पर गणेश स्थापना हो रही है, और हम सभी लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर उत्सव है। पहली बात तो राधा कृष्ण सेवा मंडल में यहीं पर पली बड़ी हूँ, हम सब भी यहाँ पर ही पले बड़े हैं। हम जब से बड़े हुए हैं तब से हम यहाँ पर गणेश उत्सव मनाते आ रहे हैं। हमारी चाचियाँ जो है, हमारी जो माताएं हैं, वो सब भी मिलजुल कर यहाँ पर सारे पर्व जो भी हैं सब मनाते हैं। यहाँ पर प्रसाद चढ़ाना, बप्पा की आरती करना, उनकी देखभाल करना, ये सब कुछ हम जितनी भी माताएँ बहनें हैं हम मन से करते हैं सब कुछ। इस अवसर पर आस्था के साथ साथ परंपरागत संस्कृति को ध्यान में रखते हुए बेधुंद ग्रुप की टीम को ढोल ताशे और संगीत की जिम्मेदारी दी गई थी। इस ग्रुप में युवाओं की टोली जिस तन्मयता के साथ ढोल और ताशा बजा रही थी वो दृश्य देखने योग्य था। इस मंडल ने कलीना इलाके में आस्था और संस्कृति का एक अनोखा संगम पेश किया। अनवर रजा के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।